तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आ चुके हैं हम एक और न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस, इस टाइम हम खेल रहे थे सोलो वर्सेस स्क्वाड। कोई था नहीं मेरे साथ, मतलब मैं काफ़ी रात हो गई थी तो मेरे पास कंटेंट नहीं था। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए कंटेंट बनाते हैं, सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलते हैं। तो मैं गेम में गया तो कोई ऑनलाइन नहीं था, तो खैर मैंने कहा चलो फिर सोलो वर्सेस स्क्वाड ही ट्राई करते हैं। और ये पाकिस्तानी लॉबी नहीं थी, ये मतलब कोई दूसरी लॉबी थी। पता नहीं कौन सी लॉबी थी। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, पाकिस्तानी लॉबी नहीं मिल रही थी, क्योंकि पाकिस्तानी लॉबी जो होती है ना वो बड़ी मज़े की लॉबी होती है। तो खैर जो भी लॉबी थी हमने फिलहाल गुजारा किया। तो उधर से साथ ही मुझे जी M4 मिलती है, साथ AKM और बैरल भी साथ ही पड़ी होती है। और साथ वाले कंपाउंड में ही बिल्कुल ना एक बंदा आ जाता है, तो मैं इसको मौका नहीं देता। मैं यही कहता हूँ कि चलो जी इसके पास गन नहीं होगी, अभी तक इसको गन नहीं मिली होगी, तो हम इस पर करते हैं पुश। तो ये भाईजान बिल्कुल दीवार के साथ लग के खड़े होते हैं, तो हेलमेट पैस नहीं होता इसके पास, इसलिए ये बहुत जल्दी नॉकआउट हो जाता है। तो यहाँ से फिर मैं लूट वगैरह करता हूँ, मुझे मतलब काफ़ी अच्छी लूट मिल जाती है और एक आधा बोर्ड भी मिल जाता है। तो यहाँ हमारे 2 किल हो चुके होते हैं। गाइज हमारे 17 किल्स निकलेंगे सिर्फ मिलिट्री में, क्योंकि ये लॉबी ऐसी होती है जिसमें स्टार्ट में ही किल मिलते हैं मुझे और लास्ट में। मतलब आपने मुबीन भाई की भी आज वीडियो देखी होगी, उसमें लास्ट में इतने बंदे जिंदा नहीं थे, तो यही सीन मेरे साथ भी हुआ है। तो यहाँ पे एक बंदा मुझे दूर नज़र आता है, DP होती है मेरे हाथ में, तो मैं रेड डॉट लगाता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये एक जगह खड़ा हो और मैं इसको नॉक फिनिश डालूँ। एंड वही होता है, मैं इसको नॉक करते साथ साथ ही फिनिश कर देता हूँ। यहाँ Level 3 का हेलमेट भी हमें मिल जाता है। DP बहुत हैवी गन है गाइस, देखना ये दूसरा भी मुझे भागता हुआ नज़र आता है। तो रेड डॉट आपका भाई, मतलब मुझे रेड डॉट बड़ा पसंद है। कोई स्कोप ना भी हो तो मैं रेड डॉट से गुजारा कर लेता हूँ। आप लोग बताओ, आप लोगों को कौन कौन सा स्कोप आप मतलब ज़्यादा कंफर्टेबली यूज़ कर लेते हो? तो मतलब मैं रेड डॉट भी चला लेता हूँ काफ़ी अच्छा। तो यहाँ मैं उसको देख रहा होता हूँ कि नॉक हुआ है, वहाँ उसको फिर मैं फिनिश करूँ। तो पहले तो वो मुझे नज़र नहीं आता होता, फिर ये अब वो मतलब बाहर आता है तो मैं उसको साथ साथ फिनिश कर देता हूँ। तो यहाँ हमारे 4 किल्स हो चुके होते हैं। अब यहाँ पर गाइस 2 स्क्वाड फाइट कर रहे होते हैं, ये देखें। तो मैं देख रहा होता हूँ कि कोई बाहर ओपन में आए, मेरे हत्थे चढ़े और मैं उसको नॉक करूँ। और वही होता है, ये एक दूसरे पे मतलब पुश कर रहे होते हैं, तो मैं ऊपर से देखता हूँ तो जनाब मुझे एकदम नज़र आता है। तो मैं यहाँ से रेड डॉट का स्प्रे देता हूँ, इसको एक हेड लगता है, दूसरा बॉडी लगता है, तो ये जनाब नॉकआउट हो जाते हैं। तो उसके बाद मैं इन पर करता हूँ पुश। यहाँ पर 2 स्क्वाड होते हैं, यहाँ पर मेरे मतलब ये वाला मेरा किल चोरी हो जाता है और इसका आई थिंक लास्ट बंदा ही होता है। वो दूसरा बंदा जो अंदर बैठा होता है पहले, वो इनको मार देता है, तो फिर हम घुस के जाके उसको मार देंगे। तो देखें फिर आप। तो गाइस अब जो इसने बंदे मारे होते हैं ना, वो मतलब डायरेक्ट फिनिश नहीं होते, वो नॉकआउट ही पड़े होते हैं और वो मतलब इनको नॉक फिनिश करता है। तो जैसे मैं यहाँ आता हूँ ना इस घर में, तो मुझे मतलब फुटस्टेप मैप के ऊपर फुटस्टेप शो होता है, तो मुझे लग जाता है पता कि यहाँ पर ना एक बंदा है। तो पहले मैं इस वाले फ्लोर पे देखता हूँ और फिर मुझे पता चल जाता है कि, क्योंकि फुटस्टेप का प्रिंट देखे ना अब राइट साइड से आ रहा होता है, तो मतलब मुझे पता चल जाती है इसकी लोकेशन कि यहाँ दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ है। तो मैं फ़ौरन आता हूँ यहाँ पर, इसको मतलब ये इनका लास्ट बंदा होता है, तो यहाँ पर ये स्क्वाड फिनिश हो जाता है। अब ये देखना गाइस, रोड के राइट साइड से बंदे आएंगे, पता नहीं वहाँ क्या लेने गए हुए थे वो बंदे, लेकिन वहाँ से आएंगे। पहले तो एक बगी आती है, इसको मैं नॉकआउट करता हूँ। देन अब जब मैं इसको नॉकआउट कर देता हूँ तो मतलब मैं इसको किल कंफर्मेशन के लिए जा रहा होता हूँ। तो जैसे मैं इसको कंफर्म करता हूँ ना, तो मुझे लेफ्ट साइड से पड़ेंगी, देखना ही है, पूरा स्क्वाड वहाँ से ही आएगा। तो गाइज़ यहाँ पे मुझे ना, जब मैं गेम खेल रहा था तो मुझे यहाँ पर यूँ लग रहा था कि अब मैंने मर जाना है, अब एक गोली आनी है, अब मुझे वो एक गोली भी टच होती ना तो मैंने मर जाना था। लेकिन यहाँ मेरा जो मेडकिट थी वो लग जाती है, लेकिन ये मैं इस साइड आके लेटता हूँ, लेकिन इतने में मुझे गोलियाँ पड़ चुकी होती हैं। अब ये बंदा ना, मैं काफ़ी देर लगाता हूँ इस पर, ये बंदा पीक ही नहीं कर रहा होता, तो फिर मैं इस पर पुश करता हूँ तो ये जनाब वॉल्स बनाने लग जाते हैं। अब ये बड़ा सिस्टम है इसमें, वॉल्स वाला आया हुआ, तो मैं भी ये आइस वाले ही ट्राई करता हूँ ज़्यादा, तो मुझे भी यही पसंद है, मतलब
ओपन में आपने कहीं कवर बनाना है, या आपका टीममेट कहीं ओपन में नॉक हुआ है, उसको फिनिश हो रहा है, तो आप कवर बना सकते हो इजी। तो जैसे मैं इसको फिनिश करके ना, मतलब गाइज इसकी लूट करके मेरे पास फ्लेयर भी होती है, मुझे फ्लेयर भी मिल गई होती है। तो जैसे ही मैं इसकी लूट करके यहाँ से निकलने लगता हूँ ना बग्गी की साइड, तो सामने मुझे एक बंदा नज़र आता है, मैं उसको स्प्रे देता हूँ, प्रेशर होता है थोड़ा, स्प्रे इधर उधर हो जाता है तो मुझे पड़ जाती है। ये अब अलग स्क्वाड होता है। तो यहाँ पे इनके मैं दो नॉक कर देता हूँ, जो पहले एक नॉक करता हूँ वो दो, मतलब जो पहले दो नॉक करता हूँ वो तो रेव हो जाते हैं। यहाँ पे ये दो बोट्स भी आपस में फाइट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे मैं इनका भी किल उठा लेता हूँ। ये तो हमारे यहाँ हो जाते हैं 12 किल्स। बाकी अभी ये जो वॉल्स वगैरह बना रहे हैं, ये भी एक दूसरे को रेव दे के बैठ चुके होते हैं। तो मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ कि शायद मौली कनेक्ट हो जाए, वहाँ तक पहुँच जाए, लेकिन मौली नहीं पहुँचती। तो जैसे मैं नीचे आता हूँ ना, अब ये देखना, मैं आपको बताता हूँ कैसे ओपन में कवर बना सकते हैं। ये देखें, अब मैं ओपन में से जा रहा था तो मैंने फ़ौरन कवर बनाया और इसको मैंने नॉक कर दिया। अब इनका लास्ट बंदा रह चुका होता है, क्योंकि हाँ जी लास्ट ही रह गया होता है तकरीबन। यहाँ पे ये वाला नॉक हो जाता है, तो ये वही बोर्ड जो मैंने नॉक किया था उसको मैं फिनिश करता हूँ, नहीं बल्कि ये किसी और ने नॉक किया था, इसको मैं फिनिश करता हूँ और किल चोरी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे 15 किल्स हो जाते हैं। अब इनका जो लास्ट बंदा होता है ना, वो जो वॉल्स बनी हुई है ना आइस वॉल्स, वो उन्हीं के पास लेटा होता है, और मैं समझ रहा होता हूँ कि बस यही थे और मतलब ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, एक बोट होता है और ये ना फायर कर रहा होता है। अब मुझे शक हो जाता है कि ये बोट ना, मतलब मुझे तो मार नहीं रहा, तो ये किसी और को ही मार रहा है। तो यहाँ पर मैं बोट को मारता हूँ, तो इतने में वो जनाब, वो उस बोट उसको मार रहा होता है, तो वो बोट से तंग आके तो बोट को मारने की ट्राई करता है। तो यहाँ मैं FPP करके यहाँ पे मैं मतलब इसको भी किल कर देता हूँ। तो यहाँ हमारे हो जाते हैं 17 किल्स। तो 17 किल्स इन मिलिट्री, मतलब सिर्फ मिलिट्री में ही हमारे 17 किल्स हो गए। तो गाइज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज़ बाकी हम यहाँ पे आ जाते हैं ब्रिज के पास, यहाँ पे आके मैं फ्लेयर चलाता हूँ। मैं ये मेरे माइंड में यही होता है कि यहाँ पे मैं आऊँगा, फ्लेयर चलाऊँगा, एंड फिर जब जाने लगूँगा जोन में, तो ब्रिज कैंप अगर कोई टीम आके करेगी तो मेरे पास अच्छी लूट होगी, तो मैं उनको ब्रिज में मतलब फाइट लेंगे उनसे। लेकिन यहाँ यूँ सीन होता है, जो लास्ट सर्कल तक होता है ना, वो भी आगे मेरे पे बनता है, मतलब कि इसी कंपाउंड पे। तो ड्रॉप आता है हमें, ड्रॉप से AWM वगैरह मिलती है, और मतलब मैंने आपको बताया ना, ये लोबी पता नहीं किस तरह की थी, तो लास्ट में हमें इतने किल्स वगैरह नहीं मिलते। तो बाकी अभी बंदे आ जाएंगे, मैं ड्रॉप लूट के आऊँगा तो हमें ओम मिलेगी उसमें से, फिर बंदे आएंगे तो हम उनको मारेंगे। आप वीडियो एंजॉय करें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बाकी बस फाइट है आगे, एंजॉय करें फ़ाइट को। तो मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़। मुझे इजाज़त दें, तो ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।